नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। कुर्मियान बठौली स्थित अस्थाई गौवंशाला में गौशाला संचालक की बड़ी लापरवाही आई सामने। गौशाला संचालक का कहना है कि डीएम एवं एसडीएम के द्वारा गौशाला पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। इसी बात को लेकर क्षेत्रीय किसानों में व्याप्त है रोष। पत्रकारों की कवरेज के दौरान ग्रामीणों और गौशाला संचालक के बीच हुई झड़प। चारा पानी की व्यवस्था न होने के कारण गौवंश रात्रि में बाहर निकलकर क्षेत्रीय किसानों की फसलों को करते हैं बर्बाद। गौशाला में भूख प्यास के कारण हो रही गौवंशों की मौत। ग्राम प्रधान एवं गौशाला संचालक के अनुसार विषैले जंतुओं के काटने के कारण हो रही गौवंशों की मौत। मृत पड़े गौवंशों के शव को नोच रहे स्वान, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। गौशाला संचालक के अनुसार 30 रुपए प्रति गौवंश, नहीं हो रही उचित व्यवस्थाएं। गौशाला में लचर व्यवस्थाओं के कारण गौवंशों की लगातार हो रही मौत। गौवंशों की पार्थिव शरीर का नहीं है कोई पुरुषाहार। योगी जी के गौवंशों के प्रति मिशन को गौशाला संचालक के द्वारा लगाया जा रहा पलीता। प्रधान जी, आपकी गौशाला में कितने मवेशियों की व्यवस्था की गई है और आपके द्वारा यहाँ कितने मवेशियों को संरक्षण दिया जा रहा है? आपके यहाँ जो चारा से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो बहुत लचर दिखाई पड़ रही हैं। पानी की व्यवस्था तो आपकी ठीक है, कुछ मवेशी भी मरे पड़े हुए हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? असलियत में ऐसा है, जो मरे पड़े हुए हैं उनको सांप काट लिया है, किसी को खोपड़ी काट लिया है, और जो गैया मर जाती है उनको सांस जबरिया यहाँ के जनता जो है लाकर छोड़ देती है, और उनके ऊपर सांस जब चढ़ते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक मर जाती है गैया। उनके लिए तो कोई जुगाड़ शासन कोई कर नहीं रहा है, गाय इसमें ना आए। गांव की जितनी गाय होती है यहीं लाकर ढकेल देते हैं। नहीं, इस संबंध में आपके ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ क्षेत्र की जनता वैसे भी छुट्टा मवेशियों से परेशान है, गौशाला होने के बावजूद गौशाला में व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब 30 रुपए पर जानवर मिलता है हम लोगों को, 30 रुपए में केयर टेकर को भी देना पड़ता है, उसके बाद इसमें सारी व्यवस्था कहाँ, कोई जानवर जो है दफन करने के लिए 10 पैसे नहीं आते तो कहाँ दिया जाएगा? इस संबंध में आपने एसडीएम से, ये एसडीएम साहब को मैंने लिखित में दिया, डीएम साहब को भी अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्या किया जाए? मंडल विरोची मोहम्मद जुबेर की रिपोर्ट।